नमस्कार साथियों, मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सिविल जज के सिलेबस को। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट यूपीपीसीएस जे, राजस्थान जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी या अदर स्टेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि हिंदी में आते हैं, वो स्टूडेंट यहाँ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स, बुक्स, केस लॉ जो भी आपको नीड होती है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम के सर्च बार में डालेंगे लीगल होम्स तो इस तरीके का लोगो दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मैं इस ग्रुप का जो लिंक होगा मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हिमाचल प्रदेश सिविल जज की एग्जामिनेशन में तीन स्टेज होती हैं, यानी प्री एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस एग्जामिनेशन जो कि रिटेन एग्जाम होता है और पर्सनालिटी टेस्ट जैसे कि इंटरव्यू होता है। हर एक स्टेट में जुडिशरी एग्जाम इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में जो है चार सब्जेक्ट होते हैं, किसी में पांच होते हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट और कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तीन पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के, यानी 100-100 नंबर के तीन पेपर होते हैं। और हर एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको, जो तीन पेपर होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक घंटा दिया जाता है, यानी कि ये प्रीलिम्स एग्जाम देने जाते हैं वो एक ही दिन में आपको ये पेपर सॉल्व करने होते हैं, यानी सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड और क्रिमिनल लॉ। और मेन एग्जाम में यही तीनों सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड पूछे जाते हैं और दो लैंग्वेज से होते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी। चलिए देख लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन फाइव पेपर होते हैं, पांच पेपर होते हैं जो कि 200 मार्क्स के जो है लॉ के पेपर, और 150 मार्क्स का इंग्लिश का और 100 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज का पेपर आता है, राइट। जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसमें आपको 45% हर एक पेपर में लानी होती है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में 45% आपको लेके आनी है, ये मैक्सिमम लिमिट है। और आपको 33% हिंदी लैंग्वेज में लेके आने होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, राइट। और ओवरऑल आपका जो एग्री ग्रेड बनेगा इन सबको मिलाकर वो 50% रहेगा, सिवाय हिंदी को, हिंदी में 33 सफिशियंट है। चलिए डिस्कस करते हैं पेपर नंबर वन, यानी सिविल लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट को किसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पहली सब्जेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सेकंड है इंडियन एविडेंस एक्ट, थर्ड इंडियन स्टाम्प एक्ट, फोर्थ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 एंड फिफ्थ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कि ये पेपर फर्स्ट होता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सो आप इसको इस तरीके से तैयार कीजिएगा जैसे कि आपको प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर करना है, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा अच्छे से तैयार करनी है। सेकंड पेपर आता है सिविल लॉ सेकंड से, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, आपको इसी में से प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और इसी में से मेंस में पूछा जाएगा। थर्ड पेपर है क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर नंबर 17 और सेक्शन 138 से 148 ये अमेंडमेंट किए हुए एक्ट भी आएंगे, जो सेक्शन है वो भी आएंगे। पंजाब एक्साइज एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो भी एक्ट इसमें पूछा जाएगा। फोर्थ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिफ्थ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो ये एक्ट भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं इंग्लिश में क्या आएगा। 100 नंबर के ऐसे और ट्रांसलेशन करने को हिंदी पैसेज को इंग्लिश पैसेज में, जो कि 50 नंबर का आएगा। सो ये 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, तो इंग्लिश का जो मार्क्स आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 150 से पूछे जाएंगे।
और इसका स्टैंडर्ड होगा ग्रेजुएशन लेवल का जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का होता है। राइट, पेपर नंबर 5 देखते हैं जो हिंदी लैंग्वेज का होगा। इसमें फर्स्ट 30 मार्क्स का ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी, 50 मार्क्स का होगा ऐसे राइटिंग जो कि हिंदी में होगा, एनी टॉपिक आउट ऑफ 3, यानी कि आपको टॉपिक दिए होंगे उसमें से आपको जो है ऐसे लिखना है। थर्ड पॉइंट है इडियम्स एंड करेक्शंस जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इसके एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10+2 का जो बोर्ड होता है हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड का, उस लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं वाइवा वॉइस इंटरव्यू की। जो कैंडिडेट मेन एग्जाम को क्लियर करते हैं, वो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जिनका नंबर या मेरिट लिस्ट में आता है मैक्सिमम नंबर प्राप्त करते हैं, वो स्टूडेंट जो है वाइवा वॉइस देंगे, जो कि 100 मार्क्स का वेटेज रखेगा, और इसमें 100 मार्क्स में से जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे वो स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर करेंगे, और मेंस प्लस इंटरव्यू को मिलाकर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो भी हिमाचल प्रदेश सिविल जज में के लिए मेरिट बेस होगी, उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट जिसमें मेरिट में आएंगे वो स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश के लिए सिविल जज के काम पे करेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और किस स्टेट से रिलेटेड सिलेबस जानना है या आप किस स्टेट से एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, इंडियन जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जो स्टूडेंट अपना कीमती समय मेरे साथ बिताते हैं या इस वीडियो को देखते हैं, मेरा उन सभी को धन्यवाद। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ मोटिव होगा कुछ जिंदगी में करने का। सो फ्रेंड्स, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टडी एट होम। बाय बाय।